अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ये लें जी, आज हम आपको सैर करवा रहे हैं रेस कोर्स की। ये रावलपिंडी में पार्क है, रेस कोर्स वेस्टरीज में पेशावर रोड की साइड पे। तो आज अचानक से हमारा यहाँ जाने का प्लान बन गया। जब से कोरोना वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल किसी पार्क में नहीं गए। तो आज हम लोग तकरीबन 6-7 मंथ्स बाद पार्क के लिए निकले हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया। यहाँ पे पीकॉक्स भी हैं, मोर हैं, बच्चे जा रहे हैं देखने के लिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। ये जी, हमने कहा आपको भी दिखा दें, रावलपिंडी में रेस कोर्स पार्क की सैर करवा दें। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत देखें, कैसे कैसे अल्लाह ताला ने जानवर बनाए हुए हैं। और जब मोर के पर खुलते हैं तो उसमें जो रंग होते हैं ना, तो वाकई ना अल्लाह ताला की शान में इंसान के दिल में बहुत प्यार और मोहब्बत भर जाता है। और ये आप देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे और बहुत बड़ा पार्क है। डिफरेंट इसके एरियाज़ बने हुए हैं, लोग यहाँ पे शाम के टाइम वॉक करने आते हैं और एक्सरसाइज की जगह अलग बनी हुई है, मस्जिद भी है, डिफरेंट गेम्स भी खेल सकते हैं। हर एक का अलग पोर्शन बनाया हुआ है। और ये दरख्त वहाँ नज़र आया, मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि एक दरख्त है इतना बड़ा और उसकी छाँव में देखें माशाल्लाह से कितनी जगह ये दरख्त फैला हुआ है। और ग्रीनरी भी नज़र आ रही है आपको, और देख के ना सही आंखों में एक ठंडक और सुकून सा हो जाता है। और यहाँ पे जी लोग वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। और मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से तो बहुत इंजॉय किया। और ये मेरी छोटी बेटी मनीहा, ये जब से माशाल्लाह से हुई है तो हम किसी पार्क में ही नहीं गए थे, क्योंकि पहले सर्दियां थी और बाद में कोरोना वाला मसला था। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कोरोना पे काबू पा ली, तो हम इसको लेके आए हैं पार्क में। और ये तो इतनी हैरान हो रही थी देख के। और जब पार्क में इसको लोग नज़र आए हैं और झूले नज़र आए हैं और स्पेशली जो बर्ड्स, कवे, चिड़ियाँ, परिंदे, तो बहुत हैरान हो रही थी, बहुत खुश हुई है वहाँ जाके। और मेंटली तौर पर ना बहुत फ्रेश फील किया, क्योंकि बहुत अरसे बाद हम घर से बाहर निकले हैं, स्पेशली पार्क वगैरह में। वैसे तो बाहर निकलते रहते हैं लेकिन पार्क में हम लोग बहुत अरसे बाद गए हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं झूले, बच्चों के बहुत झूले बने हुए हैं। बिल्कुल रश नहीं था पार्क में, शाम का टाइम था, हम बामुश्किल आधा घंटा बैठे थे और बच्चों ने आधे घंटे में काफ़ी इंजॉय कर लिया था। ये यहाँ पे आर्मी के फ्लैट्स बने हुए हैं इस पार्क के पीछे। और ये तकरीबन बहुत बड़े एरिया में पार्क फैला हुआ है। आप लोग भी मेरे साथ रावलपिंडी के इस पार्क को एंजॉय करें। जो लोग मुझे कहीं और, किसी और शहर से मेरी वीडियोस देख रहे हैं या किसी और मुल्क से देख रहे हैं, तो भी देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती माशाल्लाह से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों के लिए फ़ायदा भी हो। जी आज आपको रेस कोर्स की सैर करवाई जा रही है। अब लोग जा रहे हैं वापस रेस कोर्स, क्योंकि हम सिर्फ आधा घंटा बैठे थे, मगरिब होने वाली थी। अच्छा पार्क है। और शाम के टाइम चूंकि बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि छोटे बच्चों को सुकून आ रही है, स्पेशली किसी पार्क में खुले एरिया में बच्चों को मगरिब के टाइम नहीं लेके जाते, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि शाम के टाइम जो है ना शयातीन फैल जाते हैं जब मगरिब का टाइम होता है। तो हम लोग तकरीबन 6 बजे गए थे घर से और 6:30 हम वहाँ से वापस आ गए थे, कि हमने कहा कि बस आधा घंटा ही बहुत है। और आधे घंटे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया और बहुत हमें मज़ा आया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग जब हम वहाँ से निकले वापसी पे, तो फिर दिखाऊंगी हम और कहाँ गए। इस पार्क में ये एक बनी हुई जगह, यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ इस तरह पानी का पूल सा बना होता है, लेकिन फ़िलहाल इसमें पानी नहीं है, लेकिन ऊपर ना इन्होंने एक पहाड़ी सी बनाई हुई है। जो लोग वॉक करने आते हैं ना, वो पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा लोग हैं या कम है। एक्सरसाइज के लिए और वॉक के लिए बहुत अच्छा ट्रैक बना हुआ है। मेरे फादर भी यहाँ पे आते हैं डेली वॉक करने के लिए, सुबह के टाइम भी आते हैं और तकरीबन शाम के टाइम भी जब उनको सूट करे। ट्रैक बहुत अच्छा बना हुआ है वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज़बरदस्त बना है। ये
इधर बच्चों और का ये जो झूलों एरिया वाला नज़र एरिया आ रहा है भी आपको, है, यहाँ पे झूलों वाला और एरिया यहाँ जो है, है ना हर चीज़ का सब जो ना झूले अलग अलग फ्री में एरिया होते बनाया हुआ हैं, है। अब सिर्फ ये एंटर होने तकरीबन की दिक्कत सारे ही होती है। झूले लगे हुए हैं जो नज़र आ रहे हैं, स्विंग्स वगैरह हैं बच्चों की, और यहाँ जी मेरे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, हमना एंड हानिया इंजॉइंग आर यू अलॉट। एंजॉयिंग? इतनी खुला मतलब कि आसमान देख के और यहाँ बैठ कर आफ्टर 5-6 मंथ बहुत अच्छा फील हुआ। अब जी हम जा रहे हैं वापस, तो सोचा कि बाहर से भी थोड़ा व्यू आपको दिखा दिया जाए। हम लोग चूँकि साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए थे, अचानक से हमारा प्लान बना था, तो फिर जी है हम लोग वापसी पे चले गए। इधर पेशावर रोड में विंस बेकरी है, हम वहाँ चले गए और विंस बेकरी ने विंस बेकरी से बच्चों ने अपने लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, और फिर अब फिर हम लोगों ने वो स्नैक्स बच्चों ने घर आके खाए, क्योंकि शाम होने वाली थी, मगरिब तकरीबन हो ही चुकी थी और वहाँ पर रुकने का ज़्यादा टाइम नहीं था। तो थोड़ा सा आपको बेकरी का व्यू भी दिखा दिया जाए। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, रोल, समोसे, डोनट्स और ब्रेड्स, क्रॉसेंट्स, बिग केक्स वगैरह, और बच्चों ने ये जो है ना स्नैक्स लिए। हम लोग घर आ गए हैं, अब हम लोग इंजॉय करेंगे, खाएंगे, मैं चाय पीऊँगी और बच्चे जो है ना बस अपने ये जूस चिप्स वगैरह बच्चे शौक से खाते हैं। और बच्चों ने एक आइसक्रीम भी ली थी, ये पॉप बार, फर्स्ट टाइम हमने ये आइसक्रीम ट्राई की, ये बहुत ही मज़े की आइसक्रीम थी। इसमें ना ज़्यादा मीठा था और ना खट्टा था, ये जो रेस्पबेरी और ब्लू बेरी नज़र आ रही, ये रियल इसमें फ्लेवर आ रहा था इसका। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत ढेर सारा ख्याल, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए एक सरप्राइज़ भी होगा। अल्लाह हाफिज़।